लॉकडाउन के बीच लगातार अलग अलग जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत का समाचार लगातार दिखा रहा है। तो बता दें, एक मामला सामने आया है बिहार के दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र के टेक्टर गांव से। टेक्टर गांव में शुक्रवार की सुबह एक हिरन भटकता हुआ पहुंच गया, जल कुंभी में फंस गया था। बता दें कि डबरा में जो गाँव के बीचों बीच एक डबरा होता है, जिसे जैसे मिट्टी जहाँ खुदाई कर लिया जाता है वहाँ पर पानी जमा होता है, फिर उसे डबरा बन जाता है। उस डबरे के कुंभी में फंसा हुआ था ये बारसिम्बा, बताया जा रहा है। यहाँ वह दलदल और जलकुंभी से भरे दुबियाही डबरा में फंस गया था। ग्रामीणों ने उसे मशक्कत के बाद निकाला तो है, वन विभाग के कर्मियों के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे ग्रामीण बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा तो देखा कि एक जो बारसिम्बा है वो जलकुंभी में फंसा हुआ था। ये भी आपको बता दें कि हिरन है ये, कुत्ते एक हिरण के बच्चे को खदेड़ते आ रहे थे। ग्रामीण हिरण को बचाने के लिए दौड़े, पीछे कुत्ते और आगे से लोगों को देख हिरण ने घबराकर सामने धुबियाही डबरा में छलांग लगा दी। उस डबरे में दलदल और जलकुंभी भरे होने के कारण हिरण उसमें फंस गया। आइए विशेष कवरेज के रूप में देखते हैं, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमतौल थाना क्षेत्र का ये मामला है, दरभंगा जिला का। यहाँ पर निर्भया भारद्वाज जो भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है वो आगे आपको सुनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो वन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। मासूम हिरण की जान संसद में फंसी देख सोने पासवान, भोला पासवान, पंकज महतो, गुड्डू बीजा कुमार भारती, रूपेश भंडारी, राजू भंडारी सहित एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने हौसला दिखाया और हिरण को बचाने में कामयाबी हासिल की। में जब घर से स्थानीय लोग निकले हैं तो यहाँ पर उन लोगों ने बगल के डबरे में देखा कि एक जानवर फंसा हुआ है, तो प्रथम दृष्टिया उन लोगों को लगा जैसे ये नीलगाय है। तो सभी कुछ लड़के मिलकर के उसको निकालने के लिए सहयोग कर रहे थे। चारों तरफ से कुंभी के बीच में वो फंसा हुआ था, उसे निकालने में सहयोग किए हैं और उसको जब बाहर निकाल के लाए हैं तो उसकी माँ यहाँ से भाग गई निकालने के दौरान ही, लेकिन बच्चा यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है और देखने से ये बारहसिंगा लगता है। हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन को खबर किया है और साथ ही दरभंगा वन प्रमंडल को भी खबर करने का काम किया है। उनसे बात हो गई है, संपर्क स्थापित हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में हमारी टीम यहाँ आ रही है, तो जैसे ही वो आ जाता है हम लोग अभी अपने संरक्षण में इसको रखे हुए हैं, उस टीम को हम लोग सुपुर्द कर देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दरभंगा। हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि टेक्टर में एक हिरण को ग्रामीण लोग पकड़ के रखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग जब गए वहाँ पर तो हिरण को लोग बांधे हुए था और ग्रामीण लोग बोल रहा था कि इसको जल्दी से जाए जंगल में कहीं या अपना वन विभाग कहीं ले जाए इसको। उसके बाद हम लोग ग्रामीण लोगों ने हम लोगों को हिरण सौंप दिया, हम लोग उसको गाड़ी पर लाद करके बेतिया के जंगल छोड़ने पहुँच दिया गया। ग्रामीण लोगों का कुछ नहीं था कि यहाँ से जल्दी जाए, इसको कोई मार नहीं करेगा सर। अभी हम बता देते हैं, रूम में जो तीन चार कप है बताता है आपको दे रहे हैं बगलिया गाड़ी बगा गाड़ी।